आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जारी की पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त। तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए किसानों को किए गए मुंतकिल। कहा कि महाराष्ट्र के किसानों को कई दहाइयों से बड़े बहरान का है सामना। कांग्रेस और उसके इत्तेहादियों की हुकूमत ने किसानों को गरीब और दुखी बनाने में उन्हें छोड़ी कोई कसर। हरियाणा में सपहर 3 बजे तक रिकॉर्ड की गई तकरीबन 49.12% वोटिंग। नायब सिंह सैनी, भूपेंद्र हुड्डा, विनेश फोगाट और दुष्यंत चौटाला समेत 1031 उम्मीदवारों की किस्मत लगी हुई है दांव पर। दाखला और कोऑपरेटिव के मरकजी वजीर अमित शाह ने खादी की रिकॉर्ड खरीदारी पर कारीगरों को दी मुबारकबाद। कहा कि खादी और मकामी मसनूआत खरीदने की मोदी जी की अपील अब बन चुकी है एक इनकलाब। इससे खादी कारीगरों की जिंदगियों में आएगी मुस्बत तब्दीली, उन्हें मिलेगा हौसला। मगरबी बंगाल के 24 प्रगना में 11 साल लड़की की इज्तिमाई इज्मत दरी और कत्ल से आवाम में शदीद गुस्सा। नदी किनारे फेंकी गई लाश, एफआईआर दर्ज न करने पर दही आवाम का थाने में एहतजाज। बीजेपी लीडर डॉक्टर सुकांत मजुमदार ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने से ममता बनर्जी ने मना किया। और शंघाई ताउन तंजीम SCO के आइंदा इजलास में भारत पाकिस्तान के साथ बाहमी ताल्लुकात पर नहीं करेगा बात। इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को होना है शंघाई ताउन तंजीम का इजलास। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि सरबरा इजलास में उनकी शिरकत कसीरुल जहती ताल्लुकात पर रहेगी मरकूज। और अब खबरें तफसील से। वजीर आजम ने अब से कुछ देर कबल ठाणे में 32,800 करोड़ रुपए की लागत के मंसूबों का संगे बुनियाद रखा। अरबों रुपए के ये तमाम स्कीमें शहरी इलाकों में नकलो हरकत को बढ़ाने से मुतालिक हैं, जिनमें ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल प्रोजेक्ट और एलिवेटेड ईस्टर्न फ्रीवे एक्सटेंशन और नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोएडा एरिया प्रोजेक्ट शामिल हैं। और इससे पहले मरहले का संगे बुनियाद भी शामिल है। और ठाणे रिंग मेट्रो रेल प्रोजेक्ट 29 किलोमीटर तवील है, जिसकी तखमीना लागत 12,200 करोड़ रुपए है। मई से कबल किसानों को बाइख्तियार बनाने के अपने अहद के मुताबिक वजीर आजम ने तकरीबन 9.4 करोड़ किसानों को तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए की पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी की। इसके अलावा वजीर आजम ने नमो क्षेत्री महासम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त भी जारी की, जिसके तहत तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए तकसीम किए गए। ज़रई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1,920 करोड़ रुपए से ज्यादा के 7,500 से ज्यादा प्रोजेक्टों को कौम के नाम वफ किया गया। बड़े मंसूबों में कस्टम हायरिंग सेंटर्स, प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट्स, गोदाम, छटाई और ग्रेडिंग यूनिट्स, कोल्ड स्टोरेज के मंसूबे, फसल कटाई के बाद के इंतजामी मंसूबे शामिल हैं। वहीं 9,200 FPOs को भी कौम के नाम वफ किया गया, जिनका मजमूई कारोबार तकरीबन 1,300 करोड़ रुपए है। इसके अलावा वजीर आजम ने मवेशियों के लिए इंटीग्रेटेड जीनोम चिप और देसी सेक्स सॉर्टेड सीमेन टेक्नोलॉजी का आगाज किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 के तहत पूरे महाराष्ट्र में 19 मेगावाट की सलाहियत वाले 5 सोलर पार्क्स का इफ्तिताह किया। प्रोग्राम के दौरान उन्होंने वज़ीर-ए-आला मांझी लड़की बहन योजना से मुस्तफीद होने वालों को भी एजाज से नवाजा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भी महरूम तबकों और दलितों को इज्जत नहीं देना चाहती, वो लोगों को आपस में लड़ाने की पॉलिसी अपनाती है। अपनी नीतियों से वंचित समाज को आगे बढ़ाना चाहती है, जबकि कांग्रेस सिर्फ लूटना जानती है। कांग्रेस गरीब को गरीब बनाकर रखना चाहती है। कमजोर और गरीब भारत, कांग्रेस को उसकी राजनीति को
बहुत सूट करता है। इसलिए आप सभी को कांग्रेस से बहुत सावधान रहना है। आज कांग्रेस को पूरी तरह से अर्बन नक्सल का जीरो चला रहा है। कांग्रेस को लगता है कि अगर सब एक हो गए तो देश को बांटने का उनका एजेंडा फेल हो जाएगा। इसलिए हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं। पूरा देश देख रहा है कांग्रेस के खतरनाक एजेंडों को। विकास सपोर्ट किसका सपोर्ट मिल रहा है? जो लोग भारत को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं वो इन दिनों कांग्रेस के सबसे करीबी दोस्त हैं। इसलिए समय एक होने का है। हमारी एकता ही देश को बचाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने दिल्ली में पकड़ी गई मनशियात और इसके सरगना पर सियासी हमला किया। उन्होंने कहा कि ड्रग्स माफिया के अहम मुलजिम का ताल्लुक कांग्रेस से है। उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस नौजवानों को मनशियात की लत में धकेलना चाहती है? खबरों में देखा होगा, अभी दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया। और देखिए दुख की बात, इस ड्रग्स रैकेट का मुख्य सरगना कौन निकला? कांग्रेस का एक नेता, उसका मुख्य सरगना निकला। कांग्रेस युवाओं को नशे की लत में धकेलकर उस पैसे से चुनाव लड़ना और जीतना चाहती है। हमें इस खतरे से सावधान रहना है और दूसरों को भी सावधान करना है। हमें साथ मिलकर ये लड़ाई जीतनी होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किसानों को बाएख्तियार बनाने के अपने अहद के तहत पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी की। वज़ीर-ए-ज़राअत शिवराज सिंह ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म किसानों के मफाद में मुसलसल कदम उठा रहे हैं। किसानों के हक में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। मेरे प्रिय किसान भाइयों, न केवल किसान सम्मान निधि, 109 किस्म के नए बीज जो ज्यादा उत्पादन करेंगे वो किसानों को समर्पित किए गए हैं। सोयाबीन के दाम कम हुए तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में फैसला लिया कि बाहर से आने वाले तेल पर 20% आयात शुल्क लगाया जाएगा और उसी का परिणाम है कि सोयाबीन के दाम अब लगातार बढ़ रहे हैं। किसान को ठीक दाम देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने महाराष्ट्र के दौरे के दौरान पोहरा देवी में जगदम्बा माता मंदिर का दौरा किया और इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने संत सेवालाल महाराज और संत राम राव महाराज की समाधि पर भी गुलाई अकीदत नजर किए। बंजारा बिरादरी के संत राम राव महाराज ने पोहरा देवी जगदम्बा माता मंदिर भक्ति धाम कायम किया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बंजारा हेरिटेज म्यूजियम का अफ्ताह किया और इसमें बंजारा बिरादरी के भरपूर विरासत की नुमाइश की गई है। हरियाणा की 90 असेंबली सीटों पर आज सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है। वोटिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। मौसूल होने वाले अददोशुमार के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक 49.13% वोटिंग हुई है। इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग के अमल को खुश उसलूबी से चलाने के लिए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए हैं। हरियाणा में 20,632 पोलिंग मराकज पर 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स वोट डाल रहे हैं। इस इलेक्शन में 1,031 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें से 101 खवातीन उम्मीदवार हैं जबकि 930 मर्द उम्मीदवार मैदान में हैं। इस बार हरियाणा में मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है। हुक्मरा जमात बीजेपी रियासत में तीसरी बार हुकूमत बनाने के लिए मुकाबला कर रही है जबकि कांग्रेस तवील अरसे बाद रियासत में कदार में वापसी की उम्मीद कर रही है। बीएसपी, INLD, आम आदमी पार्टी और JJP
उम्मीदवारों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो जाएगी। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी, जिसके बाद तस्वीर वाजह हो जाएगी कि आया बीजेपी हैट्रिक करेगी या कांग्रेस बीजेपी के मरकज को तोड़कर वापसी करेगी। हरियाणा में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी है। रियासत के जुलाना में 100 साल खातून ने भी अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। उन्होंने नौजवानों को पैगाम दिया है कि अगर हाथ पांव चलते हैं तो अपने हक राय दही का ज़रूर इस्तेमाल करें। और 100 साल की उम्र में भी एक बुज़ुर्ग खातून वोट डालने पैदल चलकर गई हैं और लोगों से वोट डालने की अपील की। इतनी बुजुर्ग महिला जाके वोट डाल रही हैं तो हमारे युवा भी और जिन जिनकी वोट बनी हुई है, मैं उनसे हाथ जोड़ के यही अपील करूंगी कि वोट डालें। गाड़ी लेकर आए स्पेशल दादी के लिए, लेकिन दादी ने मना कर दिया, बोले नहीं पैदल जाऊंगी। पूरे जमा लोग पाँच तक मतलब घोड़े की तरह दौड़े है और जमा दौड़ती गई और दौड़ती आई वोट के लिए, पूरा जोश से जमा। दादी तो पूरा सामान भी कह लेगी जमा कर रही है, कोटवा वोट पड़ेंगी, कोटवा वोट पड़ेंगी। आज तड़के सारे पला ना दोगे बोली भाई मैं जाएंगी वोट गिरने, गाड़ी में लावा थे गाड़ी में नहीं गई मिली पाए पाए जाएंगी। तो यह उनकी शिक्षा है जो चलते फिर दे पाए तो वोट नहीं गिरे कहते। मारी दादी देख लो 100 तो ऊपर की हो ले रही बीचा मान पूरा पाए पाए वोट गिरने जा है। बस 100 साल तक ऊपर है, खुशी खूब बनो आनंदी कर खाओ। मगरबी बंगाल में ख्वातीन के तहफ्फुज़ की सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। अब बंगाल के जनूबी 24 परगना के कुलती में 11 साल लड़की के साथ इस्मत दरी और कत्ल के वाक़े ने एक बार फिर से बंगाल के अमन अमान की सूरत हाल को शर्मसार कर दिया है। दरअसल चौथी जमात में पढ़ने वाली लड़की ट्यूशन से वापस आ रही थी कि कुछ लोगों ने उसे अगवा कर लिया और जिसके बाद लड़की को इज्तमाही ज़्यादती का निशाना बनाया गया और फिर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये वाक़ा उस वक्त सामने आया कि जब गाँव वालों ने दरिया के किनारे से उसकी लाश बरामद की। इस मामले में गांव वालों ने पुलिस स्टेशन पर शिकायत दर्ज न करने का इल्जाम लगाया है और मुश्तइल गांव वालों ने थाने में तोड़फोड़ की और उसे आग लगा दी। मरकजी वजीर सुकांत मजुमदार ने मगरबी बंगाल के जयनगर में एक मासूम बच्ची के साथ होने वाली बर्बरियत पर गम का इजहार किया और कहा कि इंतजामिया पर ममता बनर्जी का कोई कंट्रोल नहीं है। ममता बनर्जी ने पुलिस को एफआईआर दर्ज न करने के लिए कहा क्योंकि एनसीआरबी के पास मगरबी बंगाल में इस्मत दरी के वाकयात के अददोशुमार बढ़ते जा रहे हैं और इसलिए अहले खाना और गाँव वालों की शिकायत के बावजूद पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। इस समय जिस तरीके की घटना जयनगर में एक मासूम के साथ जो घृणित घटना घटी वो दर्शाता है कि ममता बनर्जी का कोई कंट्रोल नहीं है प्रशासन के ऊपर और प्रशासन पूरी तरीके से पॉलिटिकल हो चुकी है। ममता बनर्जी ने मना किया था कि एफआईआर आप मत करिए, पहले आप छानबीन करिए फिर एफआईआर करिए, क्योंकि एनसीआरबी में डेटा जा रहा था कि बंगाल में रेप और मर्डर की घटना बढ़ रही है। इसलिए परिवार के बोलने के बावजूद, गांव वालों के बोलने के बावजूद पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, मिसिंग डायरी नहीं की और इस नाबालिग के साथ जिस तरीके का दुष्कर्म हुआ है ये बहुत ही खतरनाक है। और मुझे लगता है कि इस तरीके से घटना अगर बंगाल में बार बार घट रही है तो ममता बनर्जी की कोई लीगल या मोरल कोई उनको राइट नहीं है अपने पद पर बने रहने। और बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने इस वाक़े को लेकर ममता हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि रियासत में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि जब तक ममता बनर्जी इक़्तदार में रहेंगी ख़वातीन महफूज नहीं रह सकती। कोई पहली बार ऐसा घटनाक्रम नहीं हो रहा है, आरजीकर केस के बाद लगातार ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं। जब कृपा खाली इलाके में ये घटनाक्रम और वो शव पाया जाता है, जब गांव वाले शव लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो पुलिस वाले कंप्लेंट लगाने से दर्ज करवाने से मना कर देते हैं। आज आक्रोश फूटा है जनता का पुलिस के खिलाफ भी। क्यों ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए गए, वोट बैंक के चलते या ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि एनसीआरबी डेटा में आंकड़ा ना बढ़े, इसीलिए आप किसी प्रकार के रेप केस को इमीडिएटली रजिस्टर ना करो। आरजीकर विक्टिम के माता पिता, सुप्रीम कोर्ट, डॉक्टर्स, यहां तक कि जवाहर सरकार ने भी बोला कि किस प्रकार से माँ माटी महिला मानुष के लिए नहीं केवल ममता है, बलात्कारियों के लिए और अपराधियों के लिए टीएमसी सरकार की। तो आज स्पष्ट हो चुका है
कि जब तक ममता बनर्जी सत्ता की गद्दी पर रहेंगी तब तक बेटियां सुरक्षित नहीं हो सकती। महाराष्ट्र में कांग्रेस असेंबली इंतखाबात से पहले तनाजात में घिरी हुई है और जिसके बाद अब शिवसेना ने कांग्रेस पर हमला किया है। कांग्रेस ने आइंदा असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र अजला के लिए पार्टी कोऑर्डिनेटर के नाम का ऐलान करते हुए छत्रपति संभाजी नगर के बजाय औरंगाबाद का नाम इस्तेमाल किया, जिस पर शिवसेना ने औरंगाबाद का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। शिवसेना ने कहा कि कांग्रेस औरंगजेब दौर की ज़हनियत रखती है। वज़ीर ख्वाजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आईसी सेंटर फॉर गवर्नेंस दिल्ली के ज़ेर एहतमाम गवर्नेंस पर सरदार पटेल पर लेक्चर दिया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल जम्मू कश्मीर के सवाल पर अक़वाम-ए-मुत्तहिदा जाने के ख़िलाफ़ थे। उन्होंने जूनागढ़ हैदराबाद के मामले में इसकी मुखालिफत की थी। वो बहुत वाज़ेह तौर पर कहा करते थे कि भारत को अपना मसला दूसरी ताकतों पर नहीं छोड़ना चाहिए। सरदार पटेल opposed to going to the United Nations at all. He had resisted this in the case of Junagadh and he had resisted this in the case of Hyderabad as well. And his logic was a logic of very basic realism that India should not submit its issues to the judgment and to the interests of other powers. Sadly for all of us and for our nation, his caution वज़ीर ख़ाजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता के वाक़यात कोई मौका नहीं बल्कि ये गहरी तशवीश का सबब है। उन्होंने कहा कि मशरिक़ वुस्ता के वाक़यात हर किसी को मुतासर कर रहे हैं। मिडल ईस्ट इज नॉट अपॉर्चुनिटी, मिडल ईस्ट इज अ कॉज ऑफ ग्रेट कंसर्न, डीप वरी। देयर इज द कॉन्फ्लिक्ट इज वाइडनिंग, द यू नो व्हाट वी सॉ as a terrorist attack, then the response, then we saw what happened in Gaza, now you're seeing it in, you know, Lebanon, exchange of between Israel and Iran, the Houthis firing on the Red Sea. This is actually costing us. It's not that somebody is neutral and you benefit. वज़ीर ख़ाजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत शंघाई तआवुन तंजीम SCO के आइंदा इजलास में पाकिस्तान के साथ बाहमी ताल्लुकात पर बात नहीं करेगा। शंघाई तआवुन तंजीम का इजलास इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को होना है। उन्होंने कहा कि सरबरा इजलास में उनकी शिरकत कसीरुल जहती ताल्लुकात पर मरकूज रहेगी। और आगे बढ़ते हैं, जहां नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में मुनाकिद एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि वज़ीर आज़म शुमाल मशरक़ की तरक्की को एक नई बुलंदी पर ले गए हैं। पिछली दहाई में शुमाल मशरक़ में बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए काफ़ी काम किया गया है। शुमाल मशरक़ में सियाहत के फरोग से न सिर्फ वहाँ की मईशत में बेहतरी आएगी बल्कि नौजवानों को रोज़गार भी मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक इट टू द नेक्स्ट लेवल। Look east, act east. And this has resulted in phenomenal growth. There has been real focused attention on connectivity. Number of airports doubling. Waterways, I think, being 20-fold. So on and so forth. This connectivity has generated interest in the entire nation. I can say from this place that this area is a natural heaven for tourists, and tourism by itself can drive the economic engine of a region. उन्होंने कहा कि मीडिया को मुस्बत किरदार अदा करने और गुमराहकुन खबरों और झूठे बयानात से होशियार रहने की जरूरत है। Personal interests, partisan interests cannot overtake national interests. I see this happening. I would want and urge media to take a stand on anti-national narratives. I urge the media to take a stand on misinformation and disinformation. I want media to take a stand
on comparable growth trajectory of large economies. The disproportionate attention being bestowed by the media on issues that merit only a small attention. गांधी जयंती के दिन नई दिल्ली के किनार प्लेस में वाक़ फ्लैगशिप खादी भवन में सिर्फ एक दिन में 2,01,37,000 रुपए की खादी मसनूआत फरोख्त हुई हैं। खादी ग्राम उद्योग कमीशन की इस रिपोर्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुश्तरक करते हुए वजीर दाखला अमित शाह ने लिखा कि मोदी जी की खादी व मकामी मसनूआत खरीदने की अपील अब एक इनकलाब बन चुकी है और उनकी क्यादत में खादी उद्योग एक नया रिकॉर्ड कायम कर रहा है। इस साल गांधी जयंती के मौके पर खादी इंडिया में रिकॉर्ड 2,01,00,000 की खादी की अशिया फरोख्त हुई हैं, जो बेहद खुशी की बात है और इससे खादी की मसनूआत तैयार करने वाले कारीगरों की जिंदगी में मुस्बत तब्दीली आएगी और खादी को फरोख मिलेगा। मैं खादी की मसनूआत तैयार करने वालों को मुबारकबाद देता हूँ। मुल्की मसनूआत की तरफ लोगों का बढ़ता हुआ रुझान खुद कफील भारत की तामीर में अहम रोल अदा करने जा रहा है। बंदरगाह, जहाजरानी व आबी गुजरगाहों के वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने आसामी को क्लासिकी जबान का दर्जा देने पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इससे आसामी जबान को मजीद फरोग हासिल होगा। हमारी कैबिनेट हुई और परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पांच भाषाओं का साथ असमिया भाषा को क्लासिकल स्टेटस दी है। ये जो मर्यादा, ये जो हमें गरिमा, जो हमें स्वीकृति मिली है, तो इसके लिए मैं सारी आसामी सोसाइटी की तरफ से, देश के आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अब जो स्वीकृति मिली है, ये बहुत साल की तपस्या और मेहनत का फल है। और आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। इस दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। मुल्क भर में नवरात्रि का त्यौहार भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। दिल्ली के मंदिरों में सुबह से ही अकीदतमंदों की भीड़ देखी जा सकती है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और जेल में बंद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करने वाले मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़प के दौरान आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। गुज़िश्ता रोज़ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गोलाबारी की गई और ये मुजाहिरीन पाबंदी के बावजूद हुकूमत मुखालिफ रैली निकाल रहे थे और इमरान को रिहा करो के नारे लगाते हुए इमरान खान और पीटीआई के झंडे उठाए हुए थे। दरहकीकत आइंदा एससीओ कॉन्फ्रेंस के लिए कई आला सतही सिफारती प्रोग्रामों के पेश नज़र शहर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।